हेलो गाइस, सुनीता शुक्ला किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बना रही हूँ स्टफ्ड पालक पनीर पराठा। तो चलिए इसे बनाना हम शुरू करते हैं। देखिए, मैंने 15-20 पत्ते मैंने पालक के लिए हैं। इन्हें मैंने अच्छी तरह से धो लिया है, साफ कर लिया है। अब इसको हम चॉप कर लेंगे। तो इस तरह से हम चॉप कर लेंगे बारीक। तो देखिए, मैंने चॉप कर लिया है पालक को। अब इसे मैं बाउल में शिफ्ट कर लूँगी। मैंने बाउल में शिफ्ट कर लिया है पालक को। और इसी तरह से अब हम धनिया भी चॉप कर लेंगे। इसे भी हम बारीक चॉप करेंगे। देखिए, धनिया को भी मैंने अच्छी तरह से बारीक चॉप कर लिया है। इसे भी हम बाउल में शिफ्ट कर लेंगे। मैंने एक बाउल लिया है और इसमें हम चॉप पालक ले लेंगे। चॉप हरी धनिया ले लेंगे। मैंने एक चॉप ग्रीन चिली लिया है, ये ले लेंगे। 1 टीस्पून चाट मसाला ले लेंगे। 1/2 टीस्पून रेड चिली ले लेंगे। ये गार्लिक है, ये हम ले लेंगे 1 टीस्पून। 1 टीस्पून हम जिंजर ले लेंगे। काला नमक ले लेंगे हम 1 पिंच। वाइट नमक ले लेंगे 1/2 टीस्पून। 1/2 टीस्पून हम ब्लैक पेपर पाउडर ले लेंगे। ये मैंने 100 ग्राम पनीर लिया है, तो इसको हम इसमें ग्रेट कर लेंगे। सभी को हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। देखिए, मैंने सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो स्टफिंग हमारी बनके तैयार है पराठे की। तो देखिए, मैंने एक बाउल लिया है, उसमें मैं 1.5 कप आटा लूँगी। तो ये 1 कप मैंने लिया और 1/2 कप ये है, 1.5 कप मैंने आटा लिया है। 1/2 टीस्पून नमक, अजवाइन लेंगे हम 1/2 टीस्पून, 2 चम्मच हम ऑयल लेंगे। अब इन सभी को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो हमने सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर लिए हैं। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके हम डो बना लेंगे। तो देखिए, मैंने पराठे का डो बना लिया है और ये 1/2 गिलास पानी से भी कम लगा है हमको डो बनाने के लिए। तो देखिए, मैंने लोइयाँ बना ली है और अब मैंने एक ये पटा लिया है। थोड़ा सा हम आटा इसमें डस्ट करेंगे। अब इसे हम बेल लेंगे। तो देखिए, मैंने सारे पराठे इस तरह से बना करके और किनारे से मैंने कटोरी से काट लिया है ताकि एक शेप के हमारे पराठे बने। अब इसमें हम स्टफिंग जो हमने बनाई है वो इसमें हम स्टफ करेंगे। इस तरह से हम दूसरी हम पराठे को इसमें सेट कर देंगे। इसे
इसे अच्छी तरह से हम चिपका देंगे। और हाथ से ही इस तरह से हम फैला देंगे। तो चलिए अब इसे हम सेंक लेते हैं। देखिए मैंने बेल लिया है पराठे को, और इस तरह से हम ये कटोरी रख करके और हम काट लेंगे इस तरह से, तो हमारे पराठे एक ही शेप के बनेंगे। तो इस तरह से मैं और भी बना लेती हूँ। तो हमारा देखिए तवा गर्म हो गया है, तो पराठे को हम सेंक लेंगे। अब इन्हें हम पलट लेंगे। ऑयल लगा देंगे हम दोनों तरफ, हम इसी तरह से ऑयल लगा देंगे। अब इन्हें हम क्रिस्पी होने तक सेंक लेते हैं। देखिए हमारे पराठे दोनों तरफ से अच्छी तरह से देखिए सिक गए हैं, तब इन्हें हम निकाल लेते हैं। ये देखिए अभी नहीं हम निकाल लेते हैं। बनके तैयार है हमारे, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही टेस्टी हमारे स्टफ्ड पालक पनीर पराठा। आई होप कि आप सबको बहुत पसंद आएंगे। तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी रेसिपी लेके आती रहूं। तो मैं मिलती हूं आप नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।